हाँ दोस्तों, आ गए आप सब वीडियो को देखने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यार आज की जो हमारी वीडियो है बहुत मज़ेदार है, क्योंकि यार आज हम आपको बताएंगे सिर्फ 8,000 रुपये में मिलने वाला फ़ोन, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर थोड़ी दिनों के बाद जो इंडिया में। दोस्तों अब हम इसके फ्यूचर्स की बात करते हैं। वैसे मैं फ़ोन का नाम बता दूँ, उसका नाम है Redmi 9A। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi का Redmi 9A आपको जो मिलता है दोस्तों सिर्फ 8,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, 8,000 रुपये में दोस्तों। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। बहुत वैसे मैंने सुना है बहुत अच्छे फंक्शंस हैं इसके। वो इसकी रिलीजिंग डेट भी हमें बता दी गई है, पर वो ऑफिशियल नहीं है कि पक्का नहीं है कि उसी दिन होगा, पर 99% चांस है कि उसी दिन जो लॉन्च होगा दोस्तों इंडिया में दोस्तों। और अब हम बात करते हैं इसके कैमराज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है सिंगल कैमरा, रियर सिंगल कैमरा, वो भी सिर्फ 13 मेगापिक्सल में। कम है अच्छा है, 13 मेगापिक्सल में आपको कैमरा मिलता है। डिजिटल फोकस है, ऑटो फोकस इसमें आपको मिलता है। जो फ़ोन आपको 15,000 में मिलते हैं, 10-12 हज़ार में, उसके फंक्शन ही से हैं जो आपको इसमें मिलते हैं दोस्तों कैमराज के। वो HDR फंक्शन इसमें है, प्रोफेशनल कैमरा इसमें लगाया गया फंक्शन में इसमें। और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है सिर्फ 5 मेगापिक्सल। जी हाँ दोस्तों, 5 मेगापिक्सल में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, और 13 मेगापिक्सल रियर सिंगल कैमरा आपको जो मिलता है दोस्तों। अब हम इसके आगे स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है 8,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इसके। इसमें जो फंक्शन प्रोसेसर लगाया गया है ऑक्टाकोर का, इसमें फंक्शंस है और भी कंपनी के फंक्शंस है इसमें, जो कि 2.0 GHz जो होता है उसमें इसका फंक्शंस है दोस्तों ऑक्टाकोर का। और अब हम आगे बात करते हैं इनके स्क्रीनिंग की। इसके तो नियर है 6.5 है इसकी जो स्क्रीनिंग है, और जो स्क्रीन के लेसलेशन होते हैं वो हैं 770x2100। जी हाँ दोस्तों, इतने के आसपास हमको इसके बारे में बताया गया है इसके पिक्सल्स लेसलेशन हैं। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत वैसे आपको बहुत कम प्राइस में आपको ये फ़ोन मिलता हुआ दोस्तों सिर्फ वो भी 8,000 रुपये में। अब हम इसकी बात करते हैं रिलीजिंग डेट। जी हाँ दोस्तों, रिलीजिंग डेट की बात करते हैं, जो कि 23 जून को Xiaomi रखा गया, Xiaomi इंडिया Redmi 9 का जो रिलीजिंग डेट है वो 23 जून को रखा गया। ये अनऑफिशियल डेट है, ऑफिशियल डेट नहीं है, पर सुनने में आया जो 23 जून को ये फ़ोन है जो रिलीज होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हम बहुत अच्छा फ़ोन है ये दोस्तों। इसमें जो आपको सिंगल कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल, और रैम प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है इसमें, और बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलता है, फ़ोन मिलता है। फेस लॉक भी मुझे इसमें सेट है, फेस लॉक भी इसमें कहने के लगाया गया, फेस डिटेक्शन ये इसमें लगाया गया कैमरे में, और लाइट सेंसर हो, एयर सेंसर जो होते हैं सेंसर्स, वो सभी इसमें मिलते हैं दोस्तों। वो बहुत अच्छे फ़ोन है, आपको बहुत सस्ते रुपये पैसे में मिल रहा है 8,000 रुपये में। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर यार आपको कुछ खराबी लगी है, आप फीडबैक देना चाहते हो हमें, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।